अब फ्रेंड्स, ऐसे तो बी टाउन से हमेशा नई नई फिल्मों की खबरें सामने आती रहती हैं और फिल्म के सीक्वल बनने का ट्रेंड सा चल गया है। अब हिंदुस्तान टाइम्स इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश 2022 अवार्ड से एक खास खबर निकल कर आई कि ये जवानी है दीवानी 2 आने वाला है। नहीं, मतलब ये खबर अभी कंफर्म नहीं है, पर जब रणबीर कपूर ने आदित्य रॉय कपूर को BFF की तरह रेड कार्पेट पर बुलाकर गले लगाया तो मीडिया पीछे से चिल्लाने लगी, ये जवानी है दीवानी 2। तो हो सकता है कि ये भी हो जाए, क्योंकि अपने रणबीर कपूर कब कौन सा सरप्राइज दे दे फैंस को पता नहीं। वेल, आप क्या चाहते हैं, ये जवानी है दीवानी 2 आनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, कोई अवार्ड शो हो और वहाँ कार्तिक आर्यन अपने जलवे ना बिखेरे, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं ना। तो रिसेंटली ऐसे ही हिंदुस्तान टाइम्स इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश 2022 अवार्ड शो में भी वो पहुंचे और कैमरामैन का कैमरा उसके हाथ से लेकर खुद सामने वाले को पोज बताने लगे और उन्हें शूट करने लगे और मीडिया के साथ काफी मस्ती भी की। वैसे कार्तिक को लेकर ये कोई नई बात नहीं है, वो जब भी मीडिया के सामने आते हैं या अपने फैंस से मिलते हैं तो उनका कोई ना कोई स्वीट जेस्चर कैप्चर हो ही जाता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वेल, आपको कितना पसंद है कार्तिक आर्यन का ये खास अंदाज, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वैसे आजकल दिशा पटानी भी खूब चर्चाएं बटोर रही हैं, कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी अपने छोटे से बैग्स को लेकर, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 की स्क्रीनिंग पर भी छोटा सा बैग लेकर पहुंची थी। तो उस वक्त तो सिर्फ उनके बैग की चर्चाएं हुई थी, लेकिन इस बार हिंदुस्तान टाइम्स इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश 2022 अवार्ड शो में जब वो फिर से एक ऐसा ही छोटा सा बैग लेकर पहुंची तो उनसे किसी ने ये सवाल पूछ ही डाला कि ये इतने छोटे छोटे बैग्स लेकर आप क्यों आती हैं। तो दिशा पटानी ने साफ साफ कह दिया कि भाई, मुझे छोटे बैग्स पसंद है इसलिए लेकर आती हूँ, मेरे ड्रेस डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट मेरे को तैयार करने में काफी मेहनत करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, दोस्तों, आपको दिशा पटानी का ये लुक कैसा लगा और साथ ही साथ उनके छोटे छोटे बैग्स का शौक आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे सब कुछ एक तरफ और पलक तिवारी के जलवे एक तरफ, क्योंकि बंदी है इतनी बला की खूबसूरत, जहां जाती है वहीं छा जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश 2022 अवार्ड शो में भी वो रेड कार्पेट पर रेड गाउन पहनकर पहुंची। इस दौरान वो मीडिया से बातें करती हुई भी दिखी। अब वैसे तो पलक कई फैशन शोज में रैंप वॉक करती हुई दिख जाती हैं, लेकिन उनके फैंस को इंतजार है कि कब वो किसी नई फिल्म के साथ बी टाउन के बिग स्क्रीन पर दिखाई दे। वेल, पलक का लुक आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शहनाज ने एक बार फिर से मीडिया का अटेंशन ग्रैब तब किया जब वो उनकी एक फैन से मिली और फैन उनसे मिलकर इमोशनल हो गई। तो उस दौरान शहनाज ने भी अपना स्वीट जेस्चर दिखाते हुए अपनी इस फैन पर प्यार लुटाया। अब शहनाज की इन अदाओं से हम तो काफी कायल हो गए उनके, लेकिन आपका क्या कहना है पंजाब की कैटरीना के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों, वैसे तो अपने हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन रिसेंटली वो किसी और हसीना को लेकर खबरों में आ गए। अब हुआ यूं कि सिद्धार्थ पहुंचे हिंदुस्तान टाइम्स इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश 2022 अवार्ड शो में, जहां पर कृति सनोन भी ब्लैक ड्रेस पहनकर कहर बरपाती हुई नजर आई। इस दौरान दोनों की मुलाकात हो गई और सिद्धार्थ ने ये कहा कि इनसे जब भी मिलता हूँ रेड कार्पेट पर ही मिलता हूँ। लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इनको इधर ही मिला हूँ मैं पिछले कितने कौन सा भेज रहा हूँ, छह महीने। वैसे आप कितने फैन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएंगी।